गिव अ नॉन जीरो फंक्शन फ्रॉम M3Z to Z। हमें यहाँ पर मैट्रिक्स रिंग M3Z से Z में एक नॉन जीरो फंक्शन बताना है। तो वह फंक्शन है F फ्रॉम M3Z to Z, F Aij जो कि 3/3 ऑर्डर का है इज इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33। वेर Aij belongs to Z, नॉन जीरो फंक्शन फ्रॉम M3Z to Z क्या है? तो F M3Z to Z जहाँ पर कि F इस तरह से डिफाइंड है, F ऑफ Aij, यहाँ एक मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है जो कि M3Z का एलिमेंट है, और इसे किस तरह से डिफाइन किया गया है? तो A11 प्लस A22 प्लस A33। तो नॉन जीरो फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें डोमेन में से कोई भी एलिमेंट को यदि हम यहाँ पर लेते हैं तो उसका वैल्यू जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, उस फंक्शन उस डोमेन के उस वैल्यू पर f का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इसे दिखाते हैं कि किस प्रकार से यह होता है, जीरो इसके इक्वल नहीं होता है, इसका मान जीरो नहीं होता है। यदि हम यहाँ पर M3Z का एक एलिमेंट ले लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में, I belongs to M3Z, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस रूप में, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ देखा जाए A11 क्या है, 1 है, A22 क्या है, 1 है, और A33 क्या है, 1 है। अब यदि हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस फंक्शन का वैल्यू जो है जीरो नहीं आता है। F यहाँ पर हम कौन सा मैट्रिक्स लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो एफ आई, ठीक है, M3Z का एक एलिमेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज इक्वल टू क्या, A11 प्लस A22 प्लस A33, A11 1 प्लस A22 1 प्लस A33 1 इज इक्वल टू क्या, 3, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। इस तरह से हम क्या कहेंगे, यह फंक्शन जो है एक नॉन जीरो फंक्शन है फ्रॉम M3Z to Z।